गोरौंदा में विधानसभा उपचुनाव के राजद प्रत्याशी उमेश कुमार सिंह की पत्नी गुरिया सिंह जी जान से जुटी हुई हैं। जी हां, गुरिया सिंह ने रुकुंदीपुर रामघड़ा झिझवा टोला सतजोड़ा में जनसंपर्क के दौरान सतजोड़ा टेढ़ी बाबा के मजार पर चादर चढ़ाया और बाबा से अपने पति के लिए जीत की मन्नत मांगी। टेढ़ी बाबा मजार पर चादर चढ़ाने के दौरान क्षेत्र के हजारों लोग वहां पर जुटे हुए थे। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए गुरिया ने कहा कि कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि लोकतंत्र में उनका अपराध तंत्र रंगदारी तंत्र चलेगा। जनता अब जागरूक हो चुकी है, विकास ही मुद्दा है। सामाजिक समरसता उतरने वाले को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग किसी भी मुद्दे को भुनाना नहीं चाहते, बल्कि विकास को मुद्दा बनाकर सामाजिक समरसता को बनाए रखना चाहते हैं। और जो लोग इसे मिटाना चाहते हैं, उसे हम कभी भी चैन से नहीं जीने देंगे, क्योंकि समाज में सामाजिक समरसता का होना बहुत जरूरी है। सामाजिक समरसता का मतलब होता है कि सारे जाति धर्म को भूलकर एकजुट होकर जीवन जीना और खुशी खुशी माहौल में समय को व्यतीत करना और अपनी कामयाबी की तरफ ध्यान देना। हम आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को जनता दिखा देगी, ऐसा उन्होंने कहा। उमेश सिंह इस विधानसभा चुनाव में सबसे सुयोग्य उम्मीदवार और उनके प्रति समाज के सभी तबकों ने मिलजुल कर एकजुटता दिखाई है, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि 8 महीने में दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की तकदीर बदल देंगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान महिलाओं और युवतियों की समस्याओं से वो अवगत हो चुकी हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि किन्हें कौन सी तकलीफें हैं और मैं एक जनप्रतिनिधि की पत्नी होने के नाते खुद इन तमाम चीजों में ध्यान दूंगी। महिला कॉलेज, लड़कियों के लिए सुरक्षा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव उन्होंने बताया कि घोर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अभाव है। उन्होंने कहा कि उनके पति जनता के शासक नहीं बल्कि सेवक बनने के लिए आए हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मिलकर उन्हें वोट करें और इस तरीके से चुनावी मैदान में जैसे उनके पति उतरे हैं वैसे जनता का सपोर्ट अगर मिल जाए तो फिर जनता के साथ साथ तमाम उन लोगों का भला हो जाएगा जो लोग बिल्कुल दबे कुचले हैं और जो इस समाज से बिल्कुल कट चुके हैं। उन तमाम लोगों के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। गुड़िया लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और इस दरमियान वो लोगों से मिल रही हैं। गुड़िया दरौंदा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी उमेश सिंह की पत्नी हैं और पैदल सघन जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में वो बाबा के दरबार भी गईं और अपने पति के लिए मन्नतें मांगी। अपना आंचल पसारकर लोगों से क्षेत्र के विकास के लिए भी वो लगातार मिन्नतें कर रही हैं। तो ऐसे में वो बाबा के पास कैसे न जाती। वो बाबा के पास भी गई और वहां पर भी जाकर उन्होंने अपने पति उमेश सिंह के चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर बटन दबाने की लोगों से अपील की। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे बाबा के दरबार में और उन सब से झोली पसार कर उन्होंने कहा कि बाबा मेरी झोली भर दो और इन सबको सन्मति दो कि ये सब मेरे पति को वोट दें। सहानुभूति जिस तरीके से मिल रही है बहू रानी गुड़िया को, उसको लेकर बहुत ही खुश नजर आए। चुनावी आपाधापी के बीच महारानी बनाम बहुरानी की लड़ाई काफी रोचक लग रही है। दरौंदा विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी उमेश सिंह की धर्मपत्नी ने जब से प्रचार की कमान संभाली है, चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। प्रचार के दौरान प्रत्याशी जहां गांव में तेज धूप में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, वहीं प्रत्याशियों के परिजन भी प्रचार अभियान में जी जान से जुट गए हैं। राजद प्रत्याशी उमेश कुमार सिंह की धर्मपत्नी गुड़िया सिंह अपने पति के लिए वोट गांव गांव घूमकर मांग रही हैं। उन्होंने अनेक गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया, पति के लिए वोट मांगे। इस दौरान वे ग्रामीण महिलाओं से मिल रहे आशीर्वाद से काफी खुश नजर आईं और उन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार चुनाव में प्रत्येक वर्ग के लोग उनके साथ हैं और दरौंदा के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक उनके पति उमेश सिंह बनेंगे। उमेश सिंह जिंदाबाद के नारे के साथ वो तमाम जनता के अंतर मन में घुसने की कोशिश कर रही हैं और उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। जनता का अपार प्यार भी मिल रहा है जिसे देखकर उमेश कुमार को जीत का विश्वास हो चला है। दरौंदा विधानसभा के सिरसावा टोला उजाएं ढेवर पिनरथू में जनसंपर्क किया उन्होंने और भी कई इलाके हैं जहां पर की वो गई और तमाम जगहों पर जाकर सब लोगों से मिलते की।
और वहां पर तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि उमेश सिंह हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि मैं ही हूं उमेश सिंह और आप इन्हें जिताएं। आप ये सोचें कि आप तेजस्वी को वोट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव यहां पर पूरे फॉर्म में नजर आए तो ये फॉर्म देख कर भी लोगों को विश्वास हो रहा है कि अब की बार RJD की अगर यहाँ पर सरकार बनती है या RJD को हम वोट देते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो लोगों का ये विश्वास जरूर जीत की तरफ लेकर जाएगा, एक नई उम्मीद जग रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं और आलोक कुमार मेहता, शिवानंद तिवारी और रणधीर कुमार सिंह समेत राजद के कई वरीय नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और रिजल्ट आए और RJD की झोली भर जाए। तो देखने वाली बात होगी कि जनता का जो समर्थन अभी मिल रहा है क्या वाकई में वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया पर अपने अपने सुझाव दीजिए, अपने अपने राय दीजिए, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से अपनी उंगलियां दबाइए फोन के बटन पर और जल्दी जल्दी कमेंट्स टाइप कीजिए कि इस बार किसकी सरकार। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।